तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले गोल्डी भाई के बारे में। तो गोल्डी भाई जब लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि बिंग्स के बारे में कुछ बताओ, तो इसी के बारे में बिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो बिंग्स है वो बहुत हार्ड वर्किंग क्रिएटर है एंड टू बी फेयरली ऑनेस्ट बिंग्स मेरे पर्सनली फेवरेट क्रिएटर्स में से एक है। एंड कोरोना के टाइम में मैं मोस्टली सिर्फ बिंग्स भाई की स्ट्रीम देखा करता था एंड बिंग्स भाई की वजह से ही मैंने वैलोरेंट देखना और खेलना स्टार्ट करा एंड सच में बहुत हार्ड वर्किंग क्रिएटर है। एंड इसी बारे में गोल्डी भाई बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई यार व्यूज ऑन बिंग्स एज अ सीसी एंड अ पर्सन, बिंग्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंट्री इन एचएनयूएल। कॉम्पी में गलत फिल हो गया उसको जब लिया था तब से लेके अब तक ही इज बीन कंसिस्टेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, ही डिजर्व्स मच मोर देन व्हाट ही हैज गॉट। गाड़ी लेके आ भाई एंड आई विश हिम मोर एंड मोर सक्सेस। इज अ वेरी अगर मैं वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट सिंसियर एंड मोस्ट एंटरटेनिंग क्रिएटर्स वी हैड इन एसेट। मां की जय। लोग बोल रहे हैं कि गोल्डी भाई की केडी न्यूज़ देना, तो अलग ही सिस्टम है। नेक्स्ट ऑन बात कर लेते गॉडल के अमर के बारे में। तो जब वो लाइव आए थे तो बात कर रहे थे गॉडल की बीजीएस ग्राइंड के बारे में एंड न्यूमैन की सेकंड लाइनअप के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो गिल है उन्होंने न्यूमैन के लाइनअप को कैसे ज्वाइन करा, तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोंट ओवर हाइप अस गॉडल बीजीएमआर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बीजीआईएस इसमें टूर्नी हार्ड ग्राइंड। ब्रो जो भी बोल रहे हो ठीक है, मतलब मेरे को तो इतना ही समझ आ रहा है कि ओवर हाइप नहीं होना चाहिए बीजीएमआई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को। बीजीआईएस इज मेन टूर्नामेंट है, हार्ड ग्राइंड यही बोल रहे हो तो यस हम लोग बहुत ट्राई करेंगे उसमें भी, और ट्राई करेंगे बीजीआईएस भी जीतने का, क्योंकि देखो कल का इवेंट कुछ इतना ये नहीं था मतलब जैसे, बट हमारे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि इतने सारे टूर्नामेंट्स खराब गए थे, क्वालिफाई नहीं हुए थे ना, तो उसके बाद कल का टूर्नामेंट जीतना लाइक कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो गन फाइट और थोड़ा इम्प्रूव करना है भाई, बट न्यू जो खेल रहा है ना गाइस इंजरी के बाद बेस्ट न्यूमैन स्पोर्ट्स किसका है? हाँ तुमको एक वो दूर कर देता हूँ, न्यू शायद से स्ट्रीम पे बोला था गॉड लाइक सेकंड लाइनअप एंड ऑल। टू बी ऑनेस्ट वो बस गिल गॉड लाइक का मतलब प्लेयर है, या हमारा गिल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है गाइस, आपको भी पता है वो चीज़, वो पहले भी गॉड लाइक में था, वो अभी भी एज अ गॉड लाइक से, तो उसने उस सेंस में बोला था गिल वो लाइनअप से खेलेगा इसके लिए कि वो गॉड लाइक का सेकंड लाइनअप है, बट हम लोग उसको ना ओन करते ना कुछ करते। न्यूमन गॉड लाइक का मार्केटिंग एजेंसी है, गिल को लाइनअप था चाहिए था, गिल सेवन क्या सेवन सी से बोल रहा हूँ किसके साथ खेल रहा था, अविन के साथ खेल रहा था फिफ्थ प्लेयर करके, तो अविन को कहीं मतलब न्यूमन को ई स्पोर्ट्स में आना था तो मैंने रिकमेंड कर दिया तो वो हो गया, बट वो जो आप सोच रहे हो ना सेकंड लाइनअप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो समझ आएगा ना भाई आगे आने वाले टूर्नामेंट में। अगर सेकंड लाइनअप पे तो ऑब्वियसली वो तो हमको हेल्प करेंगे टूर्नामेंट जीतने में, किसी को कुछ करने में, आपको कभी नहीं दिखेगा ये चीज़, हम क्वालिफाई भी नहीं होंगे कभी, आईक्यू केस में नहीं होता, हम लोग उनको क्वालिफाई करवा देते हैं, बट वो सारी चीज़ें हमारे साइड से कभी नहीं होगी। इतना स्पोर्ट्समैनशिप तो है कि भाई वो अलग चीज़ है हम अलग है, हमारा कुछ भी एक दूसरे के साथ ई स्पोर्ट्स में सेकंड लाइनअप वाला थिंग नहीं है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट राउंड बात कर रहे थे जॉनाथन के बारे में। तो कल जॉनाथन बहुत दिनों बाद लाइव आए थे एंड वहाँ पर क्या हुआ था ना, एक टीडीएम मैच में एक बंदा आ गया था जो अपने आप को सोल फैन बता रहा था एंड वो जॉनाथन के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा था, मतलब हाँ थोड़ा रूडली बात कर रहा था जॉनाथन के साथ। एंड फिर जॉनाथन इसी बारे में बात कर रहे थे एंड फिर उन्होंने नियो के बारे में भी बात करी, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। वन वन आ जा, वन वन बोलते भाई
हमारा अक्षत देखा है हमारे तो कान फाड़ देगा अरे तुम्हारी अरे हमारी टोल वाली टीम में भाई ऐसे लोग का म्यूट है अभी नहीं होता ना गाइस नंबर भी अरे यार अपन नहीं करते कैसे सब चीज छोड़ो ना यार अपन बोलने दो बेचारे को क्या बोलना ना मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है ना आपको पढ़ना चाहिए और अगर नियो कसम से होता ना गाइस भाई नियो देखो नियो चाहे जो भी हो वो मेरे लिए बोल नियो पता है गाइस नियो कैसा है नियो बोल सकते हैं मेरा पिलर है क्योंकि इसको भी Blue team victory. क्योंकि उसको भी पता है मैं कुछ बोलता हूँ नहीं लोग बोलते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं बट वो ऐसा बंदा है ना लाइक जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा ना ब्रो खत्म है ब्रो चाहे वो फिर जो भी हो सामने नियो खत्म करेगा इसके लिए ब्रो नियो बहुत करीब है ब्रो मेरे भाई ऐसे बहुत लोग हैं ब्रो वेट देने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को ऐसे बट लगता है ब्रो खराब तो लगता है ऐसे लोगों से बट क्या कर सकते एंड नेक्स्ट राउंड बात कर लेते हैं अल्ट्रॉन के बारे में तो अभी साफ साफ कंफर्म हो ही चुका है कि जो अल्ट्रॉन है वो एचएस ज्वाइन करने वाले हैं बहुत टाइम से यही लीक्स भी चल रही थी कम्युनिटी के अंदर मैंने भी बहुत बार पहले अपनी वीडियो में बोला है कि जो अल्ट्रॉन है वो मोस्टली एचएस को ही ज्वाइन कर सकते एंड जो आईफ्लिक्स उन्होंने अपनी स्टोरी पर डाल के बताया था कि जो अनाउंसमेंट का काम है एचएस का वो शुरू हो चुका है एंड अल्ट्रॉन ने अपनी स्ट्रीम पर आकर बताया कि एक दो दिन में उनकी टीम की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी एंड अल्ट्रॉन भाई के साइड में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो है यश राठौड़ जो कि ऑपरेशन हेड हैदराबाद हाइड्रास के तो यहाँ से क्लियर हो ही रहा है कि जो अल्ट्रॉन है वो एचएच को ज्वाइन करने वाले तो अल्ट्रॉन इसी बारे में बात कर रहे थे इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते बाकी यार अंडरडॉग्स के लिए ब्रो जो टूर्नामेंट आता है वो क्वालिफाई करना पड़ता है ओपन कोई टूर्नामेंट आएगा तो बीजीएमआई वालों की तरफ से तो ही पॉसिबल है भाई वरना तो स्लॉट्स तो आजकल तुम्हें पता ही है आजकल तो क्वालिफाइड टीमों को ही नहीं मिलते तो अंडरडॉग तो भूल जाओ प्रूफ करना पड़ेगा पहले कहीं ना कहीं तो उसके बाद ही कुछ गू खाने को मिल सकता है एचएच का बूट कैंप दिख रहा है आईफ्लिक्स वहीं से स्ट्रीम करता है ठीक है भाई हेलो भाई कितना एसटी अल्ट्रॉन तो नहीं हो सकता भाई इतना मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे सकता हूँ मतलब मेरी रिस्पेक्ट खैर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे बट ठीक है एसटी तो नहीं ज्वाइन करूँगा कभी भी वो तुम्हारे भाई के वर्ड्स हैं तुम्हारे साथ टेंशन मत लो तुम्हारा भाई पक्का प्यार करता है खुद को खुद की फैमिली को खुद के लोगों को खुद के देश को तो जो करना भी चाहिए खुद तो चल रहा है तेरी जिंदगी में कोई बात तो है बताओ यार बैठे हैं बात तो ये है देखो टेंशन तो होती है जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों की बट गिव अप नहीं करना होता कभी कभी मन करता है गिव अप करने का बहुत सारी चीज़ों को लेके कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ दूँ कभी कभी मन करता है कि घर पे बैठूँ आराम से एक दो साल ब्रेक लूँ ई स्पोर्ट्स वगैरह से बट वही बात है e-sports is my life and I cannot क्या बोलूँ पैशन है मेरा प्यार है मेरा e-sports क्या कर सकते हैं नहीं छोड़ने का मन सपने हैं सपने पूरे पता नहीं होंगे e-sports से कभी प्रूफ करना पड़ेगा आई नो बट प्रूफ करने के बाद भी तुम्हें पता है कहीं सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलेगा अगर वो लोग परफॉर्म करेंगे बट ठीक है हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा तभी लाइमलाइट मिलेगी कर लेंगे क्यूटीज कहाँ है पाजी आई फ्लिक को बुला अच्छा 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 एस टी एक्स अल्ट्रॉन नेवर पॉसिबल एच एच अल्ट्रॉन भाई जो भी होगा पता पड़ जाएगा भाई नेम चेंज कर ले अभी एच एच अल्ट्रॉन नशीज भाई जब करना होगा जो करना होगा कर लेंगे यार नेक्स्ट राउंड बात कर रहे थे जोनाथन के बारे में तो जोनाथन बात कर रहे थे उनकी ग्राइंड के बारे में एंड वो डिमोटिवेट थे कुछ टाइम पहले इस बारे में वो बात कर रहे थे एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं भी सच बोलूँ ना गाइस एक टाइम आ गया था कि मैं बहुत मतलब बहुत लो फील कर रहा था सच बोलूँ और ये थोड़े लाइक बोल सकते हो थोड़े दिन पहले की ही थी ये बात
एंड सच बोल रहा हूँ, मैं इतना लो फील कर रहा था ना, मैं बोल नहीं सकता आपको कि कैसा टाइम मैंने ये किया हो। बट यार आप लोग के जो प्यार वाले मैसेज थे वो सब, वो लिटरली यू नो मोटिवेट किया मुझे कि जॉनी क्या हो गया, उठ मार रहे हैं सबको। कंग्रेचुलेशन जॉनी ब्रो, MVP तो एक ही है एंड ऑफिशियल टोनी में मचा लेना। थैंक यू सो मच ब्रो। अभी घिसेंगे उसके लिए, घिसेंगे अभी, लाइक बोल नहीं सकते अपन, लाइक ये नहीं बोलूँगा कि वी आर रेडी। अभी भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं एज अ टीम, सो अभी उसके लिए करेंगे, मेहनत करेंगे, घिसेंगे एक साथ एंड फुल बेस्ट देगा हमारा। एंड बस यार अपनी आज की वीडियो को अभी के लिए ये पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।